हेलो दोस्तों, मैक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जुड़े हैं कंप्लीट रीजनिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए। इस टॉपिक का नाम है फिगर एनालॉजी, चित्र सादृश्यता भी इसे कहते हैं। चित्र सादृश्यता का आज पार्ट 3 है। इससे पहले हमने चित्र सादृश्यता या फिर फिगर एनालॉजी पर 2 वीडियोस बनाई हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप इन पुरानी वीडियोज़ को देख सकते हैं। कंप्लीट रीजनिंग के सीरीज में एनालॉजी से पहले हमने डाइस, फाइंड मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग तथा मैथमेटिकल रीजनिंग डिस्कस किया है, जिसकी लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहे हैं। वहां से जाकर आप इन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो कंप्लीट रीजनिंग के सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो एनालॉजी के सीरीज में इससे पहले हमने वर्ड एनालॉजी तथा नंबर एनालॉजी डिस्कस किया है और अब हम फिगर एनालॉजी डिस्कस कर रहे हैं। फिगर एनालॉजी के बाद हम लोग अल्फाबेट एनालॉजी डिस्कस करेंगे तथा इसी क्रम में हम क्रमशः आगे बढ़ेंगे। तो यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हम आपको कंप्लीट रीजनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चित्र सादृश्यता का पार्ट 3। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। इसके पहली तथा दूसरी वीडियो में हमने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसी के आधार पर आप इसमें आगे बढ़िए और आपके मान क्रमशः आ सकते हैं। यहाँ देखिए, हमने आपको बताया था कि एनालॉजी में पहले पार्ट 1 को लेते हैं और जो 2 फिगर दिए गए हैं और पहले फिगर का दूसरे फिगर से जो संबंध होता है उसी आधार पर पार्ट 2 में आप आइए और इसी में आपका तीसरे फिगर से चौथे फिगर से आपको संबंध या फिर इस पार्ट 2 के पहले फिगर से दूसरे फिगर में संबंध स्थापित कीजिए और आपका मान करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका क्वेश्चन है SSC MTS 2006 की परीक्षा में पूछा गया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो आप एक बार इसे देखिए और ट्राई कीजिए कैसे आप इस प्रकार के प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहले इसमें कहा क्या गया है और कैसे इसे हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ देखिए, जो आकृति यहाँ है सेम आकृति यहाँ कॉपी की गई है, एक तो यहाँ बात है। तो मतलब जो आगे वाली आकृति आएगी वो एक चतुर्भुज होगा, इतना तो फिक्स है। और उसके बाद से पार्ट 1 नीचे सादा होगा, नीचे वाला पूरा आधा पार्ट सादा होना चाहिए। इस हिसाब से ऑप्शन संख्या ए हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए होने वाला नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास अभी भी 3 ऑप्शन बचे हैं। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ दोनों भाग कुछ ना कुछ भरे होने चाहिए। यहाँ एक बार आपका पूरा खाली दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन संख्या डी भी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी भी नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आपके सामने सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, इन दोनों ऑप्शंस में ही कोई एक ऑप्शन होगा। तो अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, आधा पार्ट है जो इस प्रकार क्रम में आगे बढ़ा है और सेम आधा पार्ट जो है इस क्रम में आगे बढ़ा है और इसी क्रम में हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें कहाँ दिख रहा है। तो यहाँ देखिए, ये क्षैतिज आपका और ये फिर ऊर्ध्वाधर इधर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन संख्या सी में। और ऑप्शन संख्या सी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन संख्या सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। यहां आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया SSC MTS 2006 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। MTS के सवाल CGL या फिर CHSL में भी कई बार रिपीट हुए हैं। हम आपको पिछली वाली वीडियोस में क्वेश्चन दिखाए हैं जो MTS के सवाल CGL के परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा या फिर पैटर्न कैसे फॉलो कर रहा है। ठीक, तो पहले हम यहाँ पार्ट 1 उठाते हैं। ठीक है, पार्ट 1 हमने उठाया। अब आप देखिए, बताइए यहाँ कौन सा आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आप लगाने की कोशिश कीजिए कॉन्सेप्ट यहाँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक चतुर्भुज यहाँ में बनाया गया है और यहाँ ऐसे स्लाइड्स मारी गई हैं और 1, 2, 3, 4 पार्ट में कट किया गया। ठीक है, और 4 पार्ट का हमें संबंध क्या यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ देखिए, 1, 2, 3, 4 मतलब जो 4 पार्ट काटे गए हैं वही त्रिभुज यहाँ बनाए गए, क्योंकि ये त्रिभुज में ही ये 4 पार्ट्स कटे हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज में अब आगे बढ़िए और यहाँ देखिए यहाँ कितने पार्ट्स में कट हुए हैं, अब ये हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ जो हमें पार्ट 2 में दिया गया, यहाँ देखिए यहाँ आपके टोटल कितने हुए, 4 तो पहले थे ही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 मतलब टोटल 16 त्रिभुज होने चाहिए। अब आपको कहाँ दिख रहा है 16, क्या इसमें 16 है, तो ऑप्शन संख्या ए में 16 नहीं है, ऑप्शन संख्या ए नहीं होने वाला है, बी में भी 16 नहीं है, बी भी नहीं होगा, हमें ऑप्शन संख्या सी में दिखाई दे रहा है और ऑप्शन संख्या सी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। SSC MTS के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक, फिगर एनालॉजी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। इसमें ऑप्शन संख्या आप डी भी एलिमिनेट कर सकते हैं, केवल एलिमिनेशन से हमारा आंसर आ सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल लॉजिक है वो हमें भी आना चाहिए, केवल एलिमिनेशन से हर प्रश्न सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 15।
अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये भी आपका क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां देखिए त्रिभुज बनाया गया है, आगे भी त्रिभुज है लेकिन एक डायरेक्शन बदला गया। यहां जो सर्कल है आपको वो सर्कल उठाकर यहां दे दिया गया, ठीक है। यहां से तो आप समझ सकते हैं मतलब आपका सर्कल का डायरेक्शन चेंज करना है और सब सेम रहना चाहिए और कुछ यहां बदला भी नहीं है, ठीक है। तो अब यहां आप एक बनाइए, वर्ग बनाइए, अब सर्कल का डायरेक्शन आप चेंज करिए तो यहां हम सर्कल बना देंगे। अब आप ऑप्शन देखिए और मिलाइए ऑप्शंस के हिसाब से कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। तो यहां देखिए इस साइड में तो एक ऑप्शन संख्या डी में है, ऑप्शन संख्या ए में है और दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए, ठीक। अब इन दोनों में से आपका करेक्ट आंसर कौन होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो एक बात हमें बताइए, यहां देखिए आपको क्या दिया गया है, यहां आपका सर्कल है, यहां आपका सर्कल है, सर्कल के अलावा और कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। तो मतलब सर्कल के साथ ये ऐसे ही रहेगा और ये हमें दिखाई कहां दे रहा है, तो ऑप्शन संख्या डी में हमें दिखाई दे रहा है और यहां इसके साथ चेंज किया गया है तो ऑप्शन संख्या ए हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या डी होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीपीओ के एग्जाम में 2006 में जो एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, ठीक है। तो अब आपके सामने ये जो आकृति दी गई है और उसके फ्रंट एक आकृति दी गई है और इन दोनों में क्या संबंध है वही इसके अगले वाले पार्ट या फिर पार्ट सेकंड में संबंध होना चाहिए, एनालॉजी यही कहती है। तो अब बताइए यहाँ क्या संबंध है दोनों में। तो देखिए एक बात हमें ध्यान से देखने पर यहाँ ज्ञात होता है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा। यदि आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस है तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को 2 से 3 सेकंड में आसानी से बना लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ यदि हम एक मिरर बैठाते हैं तो यहाँ सेम टू सेम इसका मिरर इमेज यहाँ बनाया गया है, या इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए इसका कॉपी आपको यहाँ दे दिया गया है और इसका कॉपी आपको यहाँ दिया गया है, मतलब एक मिरर इमेज हमें बनाना है, ठीक है। और मिरर इमेज हम कैसे बनाएंगे, तो अब यहाँ आइए, अब इसका मिरर इमेज बनाइए, जो यहाँ है वो कॉपी होकर कैसे बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा और जो यहाँ आपका तिरछा किया गया है वो आपका तिरछा यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अब इसके से मिली जुली आकृति आपको कहाँ दिख रही है, अब आप हमको बताइए। तो यहाँ देखिए ये होने वाला नहीं है, ये होगा नहीं, ये भी होने वाला नहीं, केवल आप एलिमिनेशन से इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमने जो आपकी इसकी अप्रोच थी, जो आप इसका कॉन्सेप्ट था, हमने आपको बताया। और ऑप्शन संख्या कौन इसका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन संख्या बी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आएगा, कुछ भी नहीं था एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। यहाँ देखिए ये इसका मिरर इमेज है, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी है और ये इसका मिरर इमेज यहाँ बनेगा जो ऑप्शन संख्या बी में हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। यहाँ आपके सामने एक प्रश्न है, ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के परीक्षा में पूछा गया, 2006 में जितने भी एग्जाम हुए थे वहां ये क्वेश्चन सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 17 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। एनालॉजी कहती है कि पहले आप पार्ट वन को उठाएंगे, पार्ट वन में पहली आकृति से जो दूसरे आकृति का संबंध है वही आपके पार्ट टू में पहली आकृति से दूसरी आकृति का संबंध होना चाहिए। अब आप संबंध बैठाइए, यहां बताइए कौन सा संबंध है। तो देखिए पहली आकृति से दूसरी आकृति में क्या संबंध है, एक जो ये आपका ऊपर वाला कवर है इसे हटा दिया जा रहा है, इसका कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है। एक तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला कवर आपका पूरी तरह से हटा दिया गया है, उसके बाद से बनाया गया है त्रिभुज, मतलब जो अंतिम वाला है उसे पहले बनाया गया है, ठीक है, और जो बीच वाला है उसको इसके अंदर बना दिया गया है, ठीक। मतलब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और यहां फाइनली एक बिंदी है। तो देखिए जब इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो जो ऊपर वाला ये कवर हमने ये हटा दिया, ऊपर वाला ये जो डब्बा है वो हम हटा देंगे, ठीक है। तो डब्बा हटाने के बाद हमारे पास एक कुछ ऐसी आकृति एक बचेगी और उसमें हम क्या बनाएंगे, तो उसमें हम बनाएंगे ट्रेंगल और ट्रेंगल के अंदर बिंदी, और ये हमें दिखाई कहाँ दे रही है, तो यहाँ देखिए ये हमें दिखाई दे रही है ऑप्शन संख्या बी में। लेकिन एक बात आप सोचेंगे कि यहाँ डब्बा तो बनाया गया है, देखिए ये डब्बा बनाया नहीं गया, उत्तर आकृतियों को एक आकृति में बंद करने के लिए सभी डब्बे बनाए गए हैं,
और सभी उत्तर आकृतियों में ये डब्बा बनाया गया, ठीक है। तो ऊपर से तो एक पूरी तरह से इलिमिनेट कर देंगे और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यदि आप डब्बा लेते तो देखिए ऑप्शन संख्या ए में आपको दो डब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो इस क्रम में ये हो सकता था, ठीक है। तो आप जो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहां देखिए इस वाले डब्बे को आप इग्नोर करेंगे, यहां इन सभी प्रश्नों में से इस वाले डब्बे को इग्नोर करेंगे क्योंकि वे प्रश्न की आकृति में दी गई है। अब आपको आंसर दिख रहा होगा ऑप्शन संख्या बी में और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा ऑप्शन संख्या बी। एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया एक प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अब आइए ऑप्शंस की तरफ, ऑप्शन पे पहले हम नजर डाल लेते हैं। तो हमारे सामने ऑप्शंस हैं, कुछ लिमिटेड हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, यहां आपके चार तीर दिखाए गए हैं और आगे वाले जो आपका है उसमें दो तीर दिखाए गए हैं, मतलब दो होने चाहिए तीर, तो ये तो फिक्स है, लेकिन सभी ऑप्शन में दो तीर हैं, इस हिसाब से तो हम आंसर को कोई भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। यहां देखिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। यहां देखिए, यहां जो आपकी बिंदियां दी गई हैं वो दो बिंदियां दी गई, ठीक है, और यहां फाइनली बिंदी कितनी आई है, एक आई है। यहां से एक हमें जो मिल गया वो ट्रिक इसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे कि यहां एक बिंदी होनी चाहिए। तो अब देखिए हम बिंदी कैसे बनाएंगे, तो यहां आपके सामने कितनी बिंदियां दी गई हैं, यहां आपके चार बिंदियां दी गई हैं, मतलब रिजल्ट में आपकी दो बिंदियां होनी चाहिए। और देखिए इस हिसाब से ऑप्शन संख्या सी नहीं होने वाला है, ऑप्शन संख्या ए नहीं होने वाला है, दो आंसर हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक। अब आपके सामने सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, तो इस हिसाब से हम एक क्वेश्चन अब आसानी से ज्ञात कर सके। तीर की दिशाएं एक होनी चाहिए, यहां देखिए तीरों की दिशाएं आपकी एक है और तीर की दिशाएं एक सिर्फ हमें ऑप्शन संख्या बी में ही दिखाई दे रहा है, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखिए यहां तीरों की दिशाएं जो दी गई हैं वो अलग अलग डायरेक्शन है, एक तो इधर से इधर जा रहा है, एक तो इधर से इधर जा रहा है, लेकिन यहां देखिए जो एनालॉजी हमें कह रही है उस हिसाब से तीरों की जो डायरेक्शंस हैं वो एक ही होनी चाहिए, ठीक है। यहां भी तीरों की डायरेक्शंस एक है, लेकिन वहां जो आपका जो बिंदियां बनाई गई हैं वो बिंदियां तीन बनाई गई हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन संख्या बी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रखेंगे इससे पहले हमने डाइस, फाइंड मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग डिस्कस किया है, जिसकी लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां जाइए आप इन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। ये सभी वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।